आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। आप सभी के सहयोग से इस मंजिल को हमने पाया है और हम जानते हैं कि आपके सहयोग से सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो चलिए, हम साईचर का अध्याय 27 आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। तो उससे पहले हो जाए साईं का जयकारा। शिरडी के दर पे बुलाता है साईं, शिरडी के दर पे बुलाता है साईं, भक्तों के कष्टों को मिटाता है साईं। शिरडी के दर पे बुलाता है साईं, भक्तों के कष्टों को मिटाता है साईं। आज ही बना लो इन्हें, आज ही बना लो इन्हें अपना जीवन का साथी, सच्चे मन से कर लो साईं की आरती। श्री साईं का हास्य विनोद। शिरडी में बाजार प्रत्येक रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां दुकानें लगाते, सौदा बेचते थे। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्रायः दम घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमाडपंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। बाबा श्यामा के भाई और वामन राव बाबा के दाई ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अण्णा साहेब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बांह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बांह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमाडपंत ने अपनी भाई होनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने पीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अण्णा साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए ही यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। हेमाडपंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? आगे का स्मरण ही अर्पण है। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण करने देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर में अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसवादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपयोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्य में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई भी अलगाव नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है।
कथाओं से ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है, इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। अन्ना चिड़ीकर और मौसी बाई की कथा। अन्ना चिड़ीकर दामोदर घनश्याम बाबरे बाबा के भक्त थे। वे सरल सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा का हाथ कटड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक विधवा उनकी सेवा कर रही थी जिनका नाम वेणुबाई कौज लगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की अंगुलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायः एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों की प्रचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायासी मौसी का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई विनोद प्रकृति के होने के कारण ताना देकर बोली कि ए अन्ना, बहुत बुरा है, यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके बाल तो पक गए हैं परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले कि तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, अतः उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेमपूर्वक बोले कि अरे अन्ना, व्यर्थ ही कर झगड़ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुंबन करने में दोष ही क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भर कर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त प्राणता। बाबा भक्तों को उनकी स्वेच्छा के अनुसार सेवा करने देते हैं और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसीबाई से बोले कि माँ, कृपा धीरे धीरे ही पेट दबाओ, इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी नहीं पाई थी कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आँखें कर क्रोधित हो गई। इतना साहस किसने था जो उनको रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रख उसे पेट में धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फीट लंबा था। ऐसा लगता था कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत थे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगों को समझाए हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसीबाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की ना थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप जरा भी ना होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणित हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। आज हमने साईं चरित का अध्याय 27 आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगले एपिसोड में हम आपको साईं चरित का अध्याय 28 बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। Oh.
श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय।